तेलंगाना के हसीफाबाद जिले में हालात काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के जैनपुर कस्बे में माहौल उस समय बिगड़ गया जब एक आदिवासी महिला के साथ रेप अटेम्प्ट के खिलाफ लोगों के एक समूह ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल एक आदिवासी महिला के साथ शेख मुग्धम नाम के ऑटो ड्राइवर ने उसे ऑटो में बिठाकर उसका रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने विरोध किया और मदद के लिए चीख पुकार की तो ऑटो ड्राइवर ने महिला पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला चोटिल हो गई और महिला की गंभीर हालत देखते हुए उसे हैदराबाद रेफर किया गया। महिला के साथ हुई इस घटना के बाद पूरे असीफाबाद में आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा का माहौल पैदा हो गया है। हिंसा में आग बबूला लोगों ने आरोपी पक्ष के समुदाय को लोगों के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया और मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर डाली। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे 2000 आदिवासियों ने आरोपी के समुदाय के सभी लोगों पर हमला किया। स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई कि पुलिस को शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। महिला का बयान मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें रेप अटेम्प्ट और मर्डर अटेम्प्ट के आरोप शामिल है। हालांकि शहर में अभी भी कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके बाद AIIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार पर सांप्रदायिक तनाव को लेकर कड़ी आलोचना की और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, उन्होंने तेलंगाना DGP से जैनूर में हुई सांप्रदायिक गड़बड़ी की घटनाओं के बारे में बात की और उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस पर निगरानी रखी जा रही है और अतिरिक्त बल भेजे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।